हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं फातिमा रिज़ ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, अपडेट ये देना था कि हम लोग आज जो है कुर्बानी के लिए बकरा लेने जा रहे हैं, और इसलिए एक दिन पहले लेने वाले थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है जिसका कहना नहीं है, मगर जो है जाना पड़ेगा, लेना तो है ही। सो अभी इसके लिए अभी हम लोग रेडी हुए हैं। डैडी को नीचे हम लोग फ़ोन किया है, गाड़ी नीचे से अभी लेते हैं और जाते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कितनी बारिश हो रही है जिसका कहना नहीं है। मैं दिखाता हूँ। सो गाइज, ये देख लो बारिश, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि जिसका कहना नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा। और तो सामने तो पूरे मैदान में पानी भर गया है, पूरे मेरा रोड में पानी भरा पड़ा है। सो ये देख लो, अभी इस बारिश में अभी जो है रेनकोट पहन करके हम लोगों को जाना पड़ेगा। सो गाइज, अभी हम लोग रेनकोट पहनेंगे, रेनकोट पहनने के बाद ही जाएंगे। और ये देख लो अयान, अरहान को देख लो, अरहान रेनकोट पहन के रेडी है बकरा लेने जाने के लिए। अगर मैं इसको लेकर नहीं गया ना बकरा लाने के लिए, तो मुझे बकरा बना देगा इसे, है ना अरहान? अरे आँख तो देखा, तेरा आँख छिपा हुआ है। और ये देखो मैडम को क्या कर रही है फातिमा। अरहान का बुक एक रह गया था पेंडिंग, अभी आया है तो इसको कवर लगा रही है। भी लेते हैं गाड़ी, इधर ही लेके आओ था। चलो गाड़ी ले लेता हूँ गाइस, पार्क किया हुआ। लगा के देख कि कोई मारता है। लगा? नहीं। बकरे भरे पड़े थे और आज खाली हो गया, खाली दो दिन हुआ। भाई ये कितना का? अरहान हाथ लगाओ। नहीं ना, तो आप पहले हाथ लगाओ। ये वाला। हाँ अरहान, तुझे ये पसंद आया? हाँ, मेरे को बहुत पसंद है। अच्छे से सहला जरा देख। हाँ देखो, हाँ मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है। हाँ इसको ऐसा पकड़ा, कुछ नहीं कर रहा। डर निकल गया तेरा? इसको ऐसा पकड़ा, कुछ नहीं कर रहा। पहाड़ा भी मिल जाएगा, पहाड़ा तेरे को पता है कहाँ से? पहाड़ा का पता चल गया तुझे? गाइस अरहान को ये बकरा अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए अभी हम लोग यही देख रहे हैं। देखो प्यार मोहब्बत इसका जरूर हो गया। अच्छा तूने पहाड़ा कहाँ देख लिया था? यूट्यूब पे देखा था। रुक जा मैम। सो गाइस, ये हम लोगों ने फाइनल कर दिया है, अरहान को यही पसंद आ गया था पहली फुर्सत में। मगर तेरे जैसा शान तो नहीं दिख रहा है। ले चलो 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 चलो, दिखाओ कितना बड़ा है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे रखो यार, ठीक है। कान पकड़ो कान पकड़ो कान पकड़ो। अरहान को कान पकड़ने को डर लग रहा। अभी लेके चलो, धीरे धीरे अभी लेके चलो। नहीं साथ में लेके चलो, इसकी डर से हालत खराब है। देखो अरहान को क्या कर रहा है, क्या होगा तोड़ो। अरे वाह, यहाँ सारे वाइट वाइट मिक्स हो गए ऐसा लगे और अपना वाला उधर अकेला चला गया। सब वाइट है ना अरहान? तू एक एक पीस खिलाएगा उसको? उसको दे दे पूरा ऐसे ही एज इट इज। कि मैन को देख लो, दो साल पहले हमारे एक व्लॉग में देखे थे, दुबई रिटर्न रेहान भाई लुंगी में दिखा। देखे ये अभी कब आए ईद करने के लिए परसों? ये देखो, हाँ नाम भी दिखा दिया रेहान। अरु तू इधर ही रहेगा, बकरे लोग के साथ रह, ठीक है? सेवा पानी कर, हम लोग कल आ जाएंगे, रहना यार। अच्छा ठीक है, रात को आके ले जाऊँगा। अभी तेरा टेंशन नहीं ना, बकरा ले आ गया तो टेंशन खत्म। ठीक है, हो गया बकरा, कल खाने को मिल जाएगा तुझे। बस हो गया अभी। तू इतना शौक क्यों हो रहा है? नाना नाती सेम तुम लोगों का नियत डमाडोल हो जाता है। तो फैन लगाए हुए। सो गाइस, हम लोग ने बकरा ले करके छोड़ दिया है। एक्चुअली हमारे एक पहचान वाले हैं, उनके घर के पास में हम लोग करते हैं। हमारे पुरानी सोसाइटी, पुराना घर था, वहाँ पे ही होता है हमारी कुर्बानी। तो हम लोग ने वहाँ पे भी छोड़ दिया। अरहान को बोला रहने के लिए, अरहान रहने। हमारी नहीं होती है, बकरे की होती है। क्या कुर्बानी? कुर्बानी तो बकरे की होगी, बोले हमारी सोसाइटी वहाँ पे थी पुरानी, तो वहाँ हम लोग कुर्बानी के लिए बकरा करते हैं, तो वहाँ बकरा छोड़ दिया। आपने बोला था हमारी कुर्बानी। अच्छा ठीक है, हमारी कुर्बानी कल होगी। हमारी नहीं,
बकरे की। तारू को बकरे का मजा आ गया, ये सारे के सारे वापस बकरे देखने जा रहे हैं। रात को बकरा दिखेगा ना अच्छे से? बेचारा अकेला हो गया है। आरू बड़ी प्यार से ऐसा सटा हुआ था, इसको पाया एकदम इसके पास सबका हुआ था, है ना आरान? अपने दोनों के पास कैसा रहता है? दो रात से सो नहीं रहा था, और जल्दी रात हो जाए तो मैं सुबह को जाऊंगा, है ना आरू? तो जिस वक्त लिया था उस वक्त तो साथ में फोटो खिंचाया, वीडियो बनाया, अच्छे से लेकर आया, और अभी बोल रहा है और अभी बोल रहा है नहीं खाएगा। पेट भरा हुआ बेटा, इतना खाना यहाँ पड़ा हुआ है कि खा पी के सब बैठा हुआ है। लोग खा रहा है, खिला दे, तू मत खा लेना। ए, मैं नहीं खा रहा यार। अरे जहाँ पर है खाना वहाँ पर खा। खिलाया? खाया नहीं जाएगा वो, इतना तो साफ सुथरा है। हाँ, और शांत है, एकदम शांत बकरा है। हम लोग जब ले रहे थे ना तभी वो अंकल ने भी बोले थे। हाँ शांत है। अच्छा, खाना खिला रहा है शांति से, फिर क्या चाहिए। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद मुबारक। सो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। गाइज, नमाज का वक्त हो गया है, अभी जो है 7:30 की नमाज में हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले सेकंड नमाज में, क्योंकि 6:50 की थी। सुबह उठना बहुत भारी था, लेकिन फिर भी जैसा तैसा उठ करके रेडी हो गए हैं, तो अभी हम लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नमाज़ पढ़ करके फिर सीधा जाएंगे कुर्बानी के लिए, और जो है रेडी हो गया, दिखाता हूँ, अरहान भी रेडी हो गया है, ये देखो। सलाम करो बेटा। सलाम अलैकुम। ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। सो गाइस, चलते हैं नमाज़ पढ़ करके आते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आज कुर्बानी भी करनी है, तो नमाज़ पढ़ के हम लोग बाहर से बाहर ही चले जाएंगे कुर्बानी करने के लिए, उसके बाद घर पे आएंगे। चलिए मिलते। सो गाइस, देख लो डैडी भी आ चुके हैं, चलते हैं स्कूटी पे ही। हाँ, मैं ले लेता। ले लीजिए, डैडी स्कूटी लेके जा रहे हैं, गुंडा। सो गाइस, हम लोग नमाज़ पढ़ करके आ गए हैं, और जैसे नमाज़ पढ़ करके निकलने वाले थे, इतनी जोर की बारिश आई है कि जिसका कहना नहीं, और अब बारिश और भी तेज़ हो गया। हम लोग ये देखो पूरे गीला होकर के आए। सो अभी हम लोग एक्चुअली जहाँ कुर्बानी होने वाली थी, ये देखो अरहान भी गीला होकर के आया। बेटा पैर नीचे करके बैठ, पूरा तो गीला है, सोफ़ा गीला हो जाएगा। जहाँ कुर्बानी होने वाली है वहाँ हम लोग जाने वाले थे एक्चुअली, स्कूटी से सोचा निकल जाएंगे, बट बारिश इतना तेज आया कि अभी हम लोग मस्जिद से इधर ही आ गए घर पे, अभी जो है गाड़ी लेकर के जाना पड़ेगा। तो अभी गाड़ी लेकर के जाते हैं और पहुँचते हैं वहाँ पर। सो फातिमा जो है तैयारी कर रही है शीर खुरमा बनाने की। सो चलते हैं और जो है पहुँचते हैं हम लोग कुर्बानी वाली जगह पे। आपको हमारा बकरा भी दिखाएंगे। हाँ। वो कितना शांत है, कितना शांत है। प्रॉब्लम क्या है अरहान, कल तो उसको अच्छे से खिला रहा था ना। चलो अभी लेकर के चलो बारिश। सो गाइस, हम लोगों की कुर्बानी हो गई है और कुर्बानी करा के घर पे आ गए, और जिन जिन को जो भी तकसीम करना था वो भी मैंने कर दिया है। देखो पूरा गीला हो गया हूँ। बाहर अभी भी बारिश ऐसे ही चालू है, इतनी बारिश हो रही है, रुकने का नाम है नहीं। और जो है अब मैं चला सोने के लिए, 3 बज गया है, बहुत जोर नींद आ रही है। और ये रही देख लीजिए मेरी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद उल अज़हा। तुम सुबह से गायब थी ना, ये लड़की सुबह से गायब थी, क्योंकि मैं 12 बजे आया ना, 12 बजे करवा कर लेके आया, 12 लेकिन क्या टाइम लगता है यार। सुबह 8 बजे गया था कुर्बानी कराने के लिए, और कितने बजे आया, 12 बजे करा के आया ना, 4 घंटे के बाद। और ऐसा भी नहीं था वेटिंग था, फिर भी कॉम्प्लेक्स का था, तो 15 लोग आ गए। अब काला आदमी इधर से दिखाएगा तो दिखेगा, काला इधर से दिखाएगा तो भी काला दिखेगा, है कि नहीं गाइस? हो गई तुम्हारी ईद अच्छे से? चलो जल्दी तो ईदी, तो ईदी इसमें नहीं होती है, इसमें ईदी। अच्छा बकरी दी, तो बकरा वाली ईदी तो गोश्त बन रहे थे, कलेजी खा लिए ना। इसमें क्या देते, पापा किलो गोश्त? इसमें पापा किलो गोश्त देते, इसमें पैसा नहीं देते। सो गाइस, अभी चला सोने के लिए, वापस ऐसा करता हूँ नहीं तो कालिया दिखूंगा। सो अभी चला सोने के लिए, मिलते हैं शाम को आराम से फ्रेश हो करके। माँ लेके गए थे। सो गाइस, आयान का फोन आया है, फातिमा रो रही। अच्छे मजा आया आपको, नमाज से पढ़े थे ना? हाँ मम्मा पढ़ा था, एक सेकंड ना। हाँ बेटा। हाँ नमाज पढ़े थे ना? पढ़े थे। चलो अच्छा है, चलो
सुबह फिर फ्रेश होकर। सो गाइस आयान का फोन आया है ईद मुबारक बोलने के लिए, तो स्कूल ने जो है अभी उसको कॉल कराया ईद मुबारक बात करने के लिए फोन कर रहा है उसने। तो उस पे जो है सब काफी थोड़ा सा सैड हो गए और फातिमा जो है रो रही है। गाइस ये देख लो, इनको पहचानते हो? अभी स्नो वर्ल्ड में छोड़ के आए थे, वापस आज ईद के दिन यहाँ दिखाई दे रही। तो दिखाई देगी ना बेचारी लेके आई। ईद बोलो, ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक बोलना पड़ता है कैसे मुसलमानों। फातिमा को देख लो, खुश हो गए बेटे से बात करके। अभी तो रो रही थी अंदर कोने में। क्या रो रही थी? लेकिन अपना स्वामी को क्या बात है, कल बात होएगा ना उसको तो बोलेंगे ईद का, है ना कि ईद था ये ना, उसको एहसास होएगा घर में, ना उसको जाहिर ही नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ वाले लोग लो वहाँ के सर लेके गए उसको नमाज के लिए, खाना पीना वो सब। सबसे खुशी की बात है कि ईद का बच्चा ने नमाज पढ़े, बहुत बहुत बड़ी बात है कि वहाँ स्कूल लेकर के गए, लोग लेकर गए नमाज पढ़े, बच्चे को बिरयानी खिलाए। सही बात है, और क्या चाहिए? हमारा बच्चा मेरा खुश है, हम लोग खुश है, और क्या चाहिए? अभी उसका समझ में आ गया, बात करने में खुशी में था, खुशी से बात। हमें जैसा इधर बोर होता, इधर पूरा दिन घर पे बैठा है, हम लोग ने किया क्या? बोरी हो गया ना, कहाँ गया है? मेरा अरहान ने घर पे रह के कुछ नहीं किया, इसका तो बस कोई काम ही नहीं है, बैठा है बेचारा देख लो। सो गाइस अपडेट में यही आपने देख लिया, अभी फातिमा खुश हो गई क्योंकि उसका बेटा आज खुश है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा वही लग रहा था कि आयान को नहीं बताएंगे कि आज ईद है, बट स्कूल ने जो है उसे नमाज पढ़ने के लिए ले करके गए, नमाज पढ़ाए, फिर दोपहर में उसको बिरयानी खिलाने के लिए जितने मुसलमान बच्चे थे सबको बाहर लेके होटल में गए और खाना खिलाए, बहुत बहुत इंजॉय किया उसने आज, बहुत खुश था वो। सो चलो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। सो गाइस चलो हम लोगों को और फातिमा को सबको घर में एक बहुत अच्छा सा ये लगा, जो सुबह से अपसेट थे आयान को लेकर के, तो आयान से बात करके अभी थोड़ा सा अच्छा लगा। तो अभी हम लोग जो है खाना वाना खाएंगे, आंटी भी आई भी हैं, थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करते हैं, आपको मिलते हैं। अल्लाह बेवकूफ़ बोलोगी तुम हमारी बीवी को, मालूम है वो यूट्यूबर है, हैं उसके इनको मैंने पूछे पहले तुम्हारे मोबाइल में पहले से बोलती हां पूरा साल का, बोले तो इंटरनेट बोलती वो सब मुझे नहीं पता कि नहीं। ये देखो वाकई इनको ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप चलता है। अच्छा व्हाट्सएप किससे चलता है? आंटी को नहीं पता, फेल हो गई, बताओ फेल हो गई, बोले उल्टा बारी बारी क्वेश्चन तुम ऐसे पूछ मत, मैं जवाब नहीं दे सकती। गाइस ये टीचर है हां, इनके पास कितने बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, देख लो। और मैं जब जाता हूँ इनके घर पे तो बोलते बेटा जरा स्टेटस लगा के जाना, मोबाइल में स्टेटस लगा दे जरा, ऐसे ऐसे कांड करती है आंटी। और अरहान इसीलिए इनके पास पढ़ना छोड़ दिया, बोला यार नानी के पास नहीं पढ़ाई करूंगा मैं, बहुत खिंचाई करता नानी का, है ना आरू? ओके ये किस हिसाब से टीचर बजनी पे जरा इनसे पूछ लो, फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब में इनको फर्क नहीं पता चलता है। मैं आज तक इनसे पूछता रहा, यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखती बोलते क्या आता ही नहीं है बेटा, और ये देख रही थी फेसबुक पे आज तक। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो अभी दिखाता हूँ, इन्होंने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब भी नहीं किया। ये देख लो गाइस, ये देखो ये देखो, अभी मैं इन देखो तुम्हारे साथ आप लोग के सामने ही मैं ऐसा सब्सक्राइब करता हूँ, हाँ ये किया। अरे लोग तो मजाक ही उड़ाते ना। अरे लेकिन तुम टीचर हो। अरे चुप रहे टीचर। सोशल मीडिया का चार पिलर है, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक और अपना ट्विटर, पता है क्या? हर के मोबाइल में ये चारों पिलर डला हुआ है। आंटी बोलेगी मेरे फ्रिज का चाबी। और मैंने कांड का किया, देख इनका मोबाइल अपने पॉकेट में रख लिया। करने के बाद रख लिया, मोबाइल क्यों रख लिया? अच्छा ये लो। अरे बाप रे, देख रहे हो कितना, उस दिन आप लोग ने देखा होगा स्नो वर्ल्ड गए थे तब भी सज धज के एकदम रेडी, अभी देख लो ईद के लिए भी एकदम रेडी। आया 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 आया, ये देखो खुश हो गए, ये देखो आए है, अभी देखेंगे इनके वीडियो स्नो वर्ल्ड, और ये वीडियो भी अभी जाएगा तो देख लेना ठीक है। हाँ फेसबुक पे ना, क्योंकि फेसबुक पे एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाला हूँ, पहले के सब वीडियो डाले हुए थे। वाह अच्छा है, हम लोग मीरा रोड में रह रहे हैं, तुम बॉम्बे जाके ढूंढोगे कैसे मिलेगा?
हम लोग का वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है, फेसबुक पे ढूंढ रहे हो? चलो जाने दो आंटी। अल्लाह, अरे बाप रे बाप, खतरनाक आंटी काम करते हो ना। अच्छा, लेकिन देखना फेमस हो जाओगे, टेंशन मत लो, हम लोग के व्लॉग में आते रहा ना, ठीक है? फेमस आंटी, फेमस आंटी लोग बोलेंगे, फेमस आंटी। हाँ।